कृष्णा, सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर ये अक्षय तृतीया का श्रृंगार है, राधा रानी का श्रृंगार आपने देख लिया, कमेंट भी किए, और आपको राधा रानी का श्रृंगार अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। अभी गर्मियाँ हैं तो मैं उनको ये सिंपल धोती ही पहना रही हूँ। ये मुझे अच्छी, मतलब ये मैंने YouTube पे देखा था तो ये मुझे स्टाइल अच्छा लगा, और ये मुझे धोती बड़ी पसंद आई। एक तो सिंपल सोबर है कि हम बना सकते हैं उसको, और पहनाने में ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, तो धोती अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो यही वाली धोती पहनाऊंगी। और इसके साथ मैंने थोड़ी छोटी सी बिल्कुल हाफ स्लीव जैकेट भी ट्राई की है यूट्यूब से देख के, और बहुत अच्छी ड्रेस बनी। बिल्कुल मतलब जैसे ठाकुर जी को मैं पहनाना शुरू किया, और वैसे ही थोड़ा सा हल्का सा धोती का साइज़ शायद छोटा रह गया, दो इंच के करीब मुझे ज़्यादा बना लेना चाहिए था। तो पर बहुत सुंदर लग रहे थे, हल्का फुल्का कॉटन का, एकदम पिंकी ग्रीन कलर था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ठाकुर जी को जैकेट भी खुली अच्छी मेरे को लगा था, ठीक बनेगी या नहीं बनेगी, पर ठीक है अच्छी बन गई। अब वो तो ठाकुर जी बताएंगे, आप बताएंगे देख के कि कैसी लगी आपको। और ठाकुर जी का श्रृंगार भी बहुत अच्छा लगा, राधा रानी तो एकदम पतली सी लंबी सी लग रही थी क्योंकि लहंगा लंबा बन गया था। और अक्षय तृतीया पे बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, पूड़ी थोड़ा हमारा हेल्थ इश्यूज़ हैं, पूड़ी तो नहीं बनाई, हाँ सादा खाना बनाया, दाल राइस सब्जी रोटी और फ्रूट्स का भोग लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने। और उनका तो खाने वाने का क्लिप भी मैं निकालना भूल गई, क्योंकि पता नहीं अभी कैसा हो गया है कि भगवान की भक्ति में ही ध्यान लगता है, तो थोड़ा वीडियो बनाना मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो भी लेट आते हैं। और अभी कैसा है कि मंदिर जाओ और बस बिज़ी हो जाते हैं थोड़ा सा, और घर पे भी थोड़ा मैं भगवान की भक्ति में ही ज़्यादा ध्यान है मेरा, माला वाला करने में थोड़ा शांत रहता है मन, उससे तो अच्छा लगता है। थोड़ा मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लेती हूँ तो बस उसी में मन अच्छा लगा रहता है, तो इसीलिए अभी वीडियो का उतना ध्यान नहीं रहता। पहले बनाती थी तो हर क्लिप को शूट कर लेती थी, अभी क्या है धीरे धीरे बस कम होता जा रहा है। सिर्फ ठाकुर जी हैं तो इनका श्रृंगार कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, चलो ठाकुर जी का श्रृंगार आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप मेरी फैमिली बने हैं तो मैं आपके लिए ये एफर्ट करती हूँ, और ठाकुर जी को तो जो पसंद होता है, राधा रानी को जो पसंद होता है वो करवा ही लेते हैं मेरे से, खुद ही बनवा लेते हैं ड्रेस और खुद ही अच्छे से अच्छा पहना लेते हैं। तो बस आइए देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार, और मैंने क्या भोग लगाया उसका क्लिप नहीं है, जो थोड़ा बहुत क्लिप है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। आइए देखते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार।
आपको श्रृंगार कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा, ठाकुर जी और राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस कैसी लगी, ये मैंने बनाई हैं ड्रेसेस। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। ज़्यादा बहुत।